सोने की घड़ी है, तो दुबई से मंगाई थी क्या? एप्पल का लोगो बना हुआ, जरूर महंगी होगी। ना बताओ कितने की मिलेगी? 1 लाख। वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। तो अभी गाइज बज रहे हैं पूरे 4, तो अब बोल रहे होंगे आप कितनी देर में ब्लॉग क्यों करा। तो गाइज इतनी देर का ब्लॉग करने का रीज़न ये था, सुबह 7 बजे उठती मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया था, वो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा था गाइज, और उसे एडिट करने में मुझे रात तक 4 बज गए। मैंने सोचा कि आधा बीच में से काटूंगा तो गैप दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने ब्लॉग की कुछ मेन क्लिप रख दी, वो सारे ब्लॉग क्लिप मैंने एक साथ जोड़ के दे दी, तो उसमें भी कटने के बाद गाइज वो बना 18-19 मिनट का ब्लॉग। तो वो ब्लॉग मेरे को करते करते 4 बज गए, सुबह 7 बजे मैंने ब्लॉग उठ के डाला, और ऊपर उठ के डालने के बाद सीधा मैंने टाइटल वगैरह सब डाल दिए थे, बट क्या ना नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई, वाईफाई में पता नहीं क्या हुआ, जो क्या 80% भी जो अपलोड हुआ था ना ब्लॉग, वो 80% गाइड पूरा 10 बजे ब्लॉग अपलोड हुआ था, और 11 बज गए थे ब्लॉग को अपलोड होते हुए, 11 से 10:30 के बीच ब्लॉग अपलोड हो गया था। और इसमें क्या है गाइज, इतना लेट ब्लॉग अपलोड हुआ, मैं तो सो गया था ब्लॉग अपलोड करके, मुझे लगा कि अब ब्लॉग अपलोड हो जाएगा, अब मेरा कोई काम नहीं है, बट मैंने जब सुबह देखा तो जब तक भी ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ था, वेटिंग या प्रोसेसिंग ऐसे आ रहा था, तो पूरी देर ब्लॉग अपलोड हुआ ही नहीं था। और ऊपर से क्या ना गाइस, टाइटल में भी पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई थी, तो टाइटल उल्टे सीधे हो गए थे, उन्हें भी मैंने सही करा। तो इस सब को सही करने के बाद गाइस मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा अपना काम कर लूँ, मेरी प्रैक्टिकल फाइल अभी मैंने यहीं रख रखी है, फाइल का भी काम कर रहा था, और सुबह गाइस बस इतनी देर में सोया हूँ ना, और इतनी देर में उठा हूँ, और इस चक्कर में ब्लॉग भी पता नहीं कैसे लेट हो गया गाइस, वाईफाई की वजह से हुआ, क्योंकि मैंने ब्लॉग सुबह टाइमिंग से अपने अपलोड कर दिया था, और कितनी देर लग गई, वाईफाई वाले को बुलाया, वाईफाई वाले से बोला हमने कि नेट बहुत ख़राब चल रहा है, कोई गाइस ये रहा बस कमरे से बाहर निकलती वाईफाई है, और इसमें भी रेंज अगर अच्छी नहीं आएगी। गाइस मैंने ट्रैक सूट पहना था, क्या है गाइस कल भी एक्सरसाइज ज़्यादा कर नहीं पाया था, आपको मैंने दिखाया था बस, तो जो दिखाते ही मैं गाइस लेट गया था, मैं सोच रहा कि गाइस क्या करूँगा, कोई हाथ में भी दर्द हो रहा था, कमर में भी पता नहीं क्या गलत सेट पड़ गया, उससे भी दर्द हो रहा था। जब मैं यूट्यूब पर चेक कर रहा था क्या मॉडिफिकेशन के बारे में, और कहाँ का एरोक्स की जो मतलब शॉप है जिस जगह हम मॉडिफिकेशन कराएं, करोल बाग में हमें दिखी है, वहाँ भी हम जा सकते हैं कल या परसों में, ये वो वाली मॉडिफिकेशन है गाइस, बिल्कुल अलग वाली नहीं गाइस, इसमें क्या है एक स्टैंड लगवाना है, मतलब वाला क्या होता है जिसमें जो पीछे प्रीलियम बैठा होता है उसके लिए हम स्टैंड लगाएंगे, जो फीमेल प्रीलियम होते हैं, तो क्या है ना मम्मी को बैठने में प्रॉब्लम होती है, उस पर बैठनी पड़ती है, और पैर रखने के वो छोटे दे रखे हैं हमें, उसके क्या गाइस मिरर पर भी देखना पड़ेगा, नाइट विजन वाले मिरर लगवाना है, और जो उसका स्टैंड है पीछे वो करवाना है, और बैक में जो बिल्कुल एक स्टैंड मतलब टेकने के लिए वो एक सीट है जो भी हमने चेक करी थी वो भी लगवानी है, सब तो आपको पता लग ही जाएगा कल, जब मैं कल या परसों मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या हमने उसमें कराया और क्या क्या कराएंगे। गाइस देखो इसे आप जानते होंगे शारिक, तो ये अभी मेरे से बोल रहा था कि मुझे ब्लॉग मिले वहाँ से, मैंने पापा का कवर मंगाया था फ़ोन का जो कि आ चुका है, ट्रांसपेट वाला था, क्योंकि इनके जो पीछे ऑर्बिट लाइट है ना, पापा का रेनो 7 प्रो है, तो उसमें ऑर्बिट लाइट जलने के लिए हमने ट्रांसपेट मंगाया था, वरना उसका फ़ायदा कुछ होता नहीं ऑर्बिट लाइट का, फिर पापा ने आते हैं ले लिया है कवर, तो देखते हैं कवर कैसा है कैसे फिक्स होता है। गाइस इसे फाड़ते हैं किसी भी करके, कैसे फाड़ा जाए, फटा हुआ तो है, तो गाइस ये रहा सही है, क्वालिटी वाइज तो थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि इसके कवर ट्रांसपोर्ट में कम मिलते हैं, और पीछे प्रोटेक्शन होती है इसके तो बहुत ही कम मिलते हैं, जो कि अभी मंगा लिया है सही है वैसे, अभी लगा के चेक करते हैं, चढ़ा दिया है ये पूरा चढ़ गया है, और सही से भी कवर कर लिया है, बट क्या है ना ये इतना टाइट है, जो लास्ट में जो इसका ग्लास है ना वो हल्का सा क्रैक हो गया है, कवर चढ़ाते के साथ ही, तो ग्लास भी दूसरा लगाना पड़ेगा, तो ग्लास क्या है ना उल्टा लगा हुआ था, थोड़ा बाहर निकल रहा था, तो जैसे कवर लगाया कवर बहुत ज़्यादा फिक्स है, तो इसलिए वो चटक गया। इसका भी हमने यही ट्रांसपोर्ट लगाया था, ट्रांसपोर्ट में तो अच्छा लग रहा है फ़ोन, मेरे को ज़्यादा वैसे अच्छे भी लगते भरे भरे, मेरे जितने भी फ़ोन होंगे घर में जितने भी हमारे फ़ोन होंगे सब में ट्रांसपेट ही मिलेगा, हम और कोई ऐसा लगाते नहीं है, और कोई अच्छा नहीं लगता, हाँ अगर कोई बढ़िया मिल जाए तो हम वो मंगा सकते हैं, कि ऑर्बिट लाइट जला के दिखाता हूँ गाइस आपको, तो गाइस कैमरा भी इसका सही काम कर रहा है। अभी गाइस मैं फाइल लेकर आया हूँ अपनी प्रैक्टिकल की, थक गया हूँ ऊपर आते आते, पेंच वगैरह ले आया हूँ और फाइल ले आया हूँ, एक फाइल के तो मतलब पूरी फाइल लेगी, बट एक के पेंच कम कर रहे थे तो पेंच लाऊं, और एक की फाइल की फाइल लाया हूँ, बाहर गई हुई है पता नहीं कब आएंगी, हमें पता नहीं चली जाती कहाँ को है, कहीं भी चल जाती गाइस पता ही नहीं है। अपनी फाइल का काम करना है अभी, ये रही एक फाइल, इसके पेंच थ्रेड, जब हो रही है घर की सफाई और मैं जा रहा हूँ घर का सामान लेने, तो अभी मैं मिलता हूँ आपसे कुछ ही देर में, अभी बज रहे हैं 7, फिर जल्दी जाता हूँ सामान लेने, मैंने रात हो जाएगी तो फिर मेरे काम भी नहीं कर पाऊंगा, और देर से ही सामान लेने जाऊँगा तो दुकानें भी बंद मिलेंगी, तो गाइस अभी मैं सामान लेकर अभी आया हूँ, और अभी बज रहे हैं पूरे 7:30 होने वाले हैं, तो अभी 2 चक्कर मेरे ऐसे ही लग गए, एक सामान भूला फिर दोबारा गया एक और सामान लेने, और 2 भूलने के चक्कर में इतने चक्कर लग जाते हैं। देखो लीली अम्मी को देख रही है कपड़े सीते हुए, हाय आओ लीली, देर बाद उठी है ना तो मुझे देखने आई है गाइस, सोने की घड़ी है तो दुबई से मंगाई थी क्या, एप्पल का लोगो बना हुआ है, जरूर महंगी होगी, देख रहे हो टाइम,
बहुत महंगी गाड़ी है गाइस। ना बताओ कितने की मिलेगी? 1 लाख। दे दो खाना, दे दो खाना, दे दो दे दो दे दो। अभी मिलेगा लिली खाना, तुम्हारा टाइम टेबल है ना, अभी वैसे खाओगे नहीं। लिली लिली हाथ छोड़ो, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो। अभी अभी देख रहा हूँ फोन चार्ज ही नहीं हुआ, 20 से भी नीचे आ गई चार्जिंग, तो ये कैसे हो गया? मैंने में आया स्विच ही बंद था, आनी पड़ेगी फोन को चार्जिंग में, मैं पागल बन गया, फोन में चार्जिंग ही नहीं। अभी गाइस फोन में चार्जिंग हो गई है, और चार्जिंग हो गई ऑलमोस्ट 80%। तो अभी बज रहे हैं गाइस 9, और अभी मोजिन साहब आए थे इन सब को पढ़ाने से पारा, तो अभी वो चले गए, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं करा क्योंकि डिस्टर्ब होता उन्हें। आने के अभी एक और सुई लगने वाली गाइस, और वो चली गई है पापा के साथ, जो लिली ने काटा था ना उस टाइम की वही वाली सुई, एक और मतलब दूसरी, एक और दूसरा इंजेक्शन उसके लगने के लिए अभी पापा लेके गए। गाइस जाना है स्कूल क्योंकि कल से स्कूल खुल गए, कल से नहीं मतलब सैटरडे से खुल गए थे, बट मैंने सैटरडे को नहीं गया और मैं कल जाऊँगा, कल मेरा टेस्ट भी है, तो कल टेस्ट की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी देखते हैं क्या आ रहा है टेस्ट में। मैंने अभी एक दोस्त से पूछा, उसने बताया 10th और 11th चैप्टर आ रहा है, और दोनों को निकाल कर अच्छे से पढ़ लेंगे, शॉर्ट में पढ़ लेंगे गाइस, ज़्यादा बिल्कुल डीपली नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट शॉर्ट जो जो इंपॉर्टेंट होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें पढ़ लेंगे। सब भी थोड़ा सही हो रहा है गाइस, बट कोहरा ज़्यादा हो रहा है, ठंड कम हो रही है। गाइस कब तक आते हैं पापा? अब एक और कब लगेगा? 3 तारीख को एक और लगेगा, मजा आएंगे है ना, अच्छा लगता है, सुई लगती है ना, मजा आता है ना, जैसे मतलब कोई हमारे गुदगुदी में चारा आते है ना। गाइस ये एक और की जगह 2-3 और लगा लियो है, मैं 3 लगवाएगी। गाइस बोले पापा, अभी पापा स्कूटी पलटा के वापस लगा रहे हैं, पार्क कर रहे हैं, अपनी एरो लगती बढ़िया है, देखो कुत्ता कैसे डर रहा है, देखो 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 देखो, ले जा रही गाइस कहीं पापा को आइसक्रीम कोड करना भूल गया, पूरा डब्बा गिरा दिया इन्हें। अभी ये वीडियो जब भी कोई देखेगा घर का ये गई, और एक एक अगर एक बार कुछ भी गंदा हुआ अब देखनी पड़ेगी, इसमें कुछ गिरा तो नहीं है। लेले को मैंने उसका खाना दे दिया है, अभी खाना खा लेता हूँ, थोड़ी देर होगी, और मेरे दाने जो हो रहे हैं इसके लिए मैंने क्रीम मंगाई है, अभी आपको दिखा देता हूँ, पहले खाना खा लेता हूँ उसके बाद बाकी लोग करता हूँ गाइस। तो गाइस खाना खा लिया है मैंने, तो अभी लिली ने भी खाना खा ही लिया है, तो अभी लिली यहाँ बैठी है, और गाइस मेरे चेहरे में जो दाने होने से थोड़ा दर्द सा भी हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा क्या मच्छर ने काटा है, किसने काटा, क्योंकि अंदरूनी दाने हो रहे हैं, जो अंदरूनी दाने होते हैं ना इनमें दर्द ज़्यादा होता है, और ये ठीक नहीं होते, और ये बाहर के होते हैं वो तो निकल जाते हैं गाइस। इस गाल में मेरा थोड़ा है ही नहीं वैसे भी कुछ, इस पे पता नहीं कहाँ से आ गया, तो अभी मैं तेल की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दूंगा खाना, पानी ज़्यादा ज़्यादा पीऊँगा, तो हरी सब्जियाँ खाऊंगा, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खानी नहीं है, तली हुई चीज़ें सब छोड़ दूंगा, और अब जिम भी स्टार्ट करनी है, और आप सोच रहे होंगे जिम की तो बोलता है बट जाता नहीं है। अभी मेरी फाइलें रखी हुई हैं, अभी मैं इतना काम में उलझा पड़ा हूँ ना, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, बट मैं सोच के ये सोचता हूँ चलो कल चले जाऊँगा जिम, आज काम निपटा लेता हूँ, बट आज काम निपटाता हूँ फिर कल और काम बढ़ जाता है, और यही करते करते गाइस मेरा टाइम ऐसे निकल जाता है, और जिम जाना मैं भूल जाता हूँ। मेरा एक दोस्त जाता है जिम, उसको कम से कम 1-1.5 साल से आ रहा है, तो उससे मैं पूछूंगा उसके जिम की एंट्री वगैरह, और उसमें जाया करूँगा, क्योंकि गाइस जिसमें अपना जानने वाला होगा ना, तो उसमें जिम हम सही से भी कर लेंगे और अच्छा भी लगेगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा गाइस, और जो जिम से जितने भी फिटनेस रिलेटेड होंगे ना सब मैं आपको बताऊंगा गाइस, क्योंकि मुझे फिटनेस का बहुत शौक है, जिम जरूर जाऊँगा, और मेरे को मालूम है जब मैं जाऊँगा ना जिम तो मैं कुछ करूँगा गाइस, और बढ़िया ही करूँगा, वो मैं सिर्फ अपने तक नहीं रखूंगा गाइस, आपको भी बताऊंगा जो मैं करूंगा, वो अपनी डाइट वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा, और आपकी भी बहुत हेल्प करूंगा, अगर आप घर में बैठे जिम करना चाहते हैं तो मैं अगर जो मैं टिप्स सीखूंगा, जो मैं सेट वगैरह सीखूंगा, जो होम में हो पाएंगे, जो घर के अंदर हो पाएंगे, तो वो सब मैं आपको बता दूंगा, वो सब आप घर पे कर लेना, डाइट वगैरह की जरूरत हो तो मैं सब पूछ के आपको उस पर बताया करूंगा। अभी चैनल मेरा जो होगा टोटली फिटनेस से रिलेटेड होगा, तो उसका मैं नाम अभी सोच रहा हूँ, कोई यूनिक सा नाम सोच रहा हूँ, वो नाम मुझे पता लग गया तो मैं उसका एक चैनल क्रिएट करके उसके लिए फिर फर्स्ट वीडियो जब भी डलेगी, जब मैं पहली बार जिम ज्वाइन करूंगा, हाँ तो मैं भी आपको बता दे करूंगा, और जिम में अपनी एक्सरसाइज दिखा दे करूंगा। गाइस अंदर चल रहा है बिग बॉस, मैं सोच रहा था कि गाइस कहते हैं एडिटिंग इससे भी कर ले करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़े ज़्यादा ऐप हैं, और ऐप्स के साथ साथ गाइस में कुछ वो फीचर हैं जो आईफोन में खुल नहीं पा रहे, इसमें भी आईफोन की जगह देखते हैं एडिटिंग, मगर जो मैं वीडियो बनाता हूँ कम से कम 14-15 GB के आसपास होती है, क्योंकि मैं वीडियो 4K में बनाता हूँ। अब ये पता नहीं गाइस वहाँ पे यूट्यूब वाले आपको 4K में दिखा रहे हैं या नहीं, बट मैं अपनी तरफ से 4K में वीडियो शूट करता हूँ, तो लॉक खोलता हूँ, मम्मी ने फ़ोन करने को बोला है, वीडियो कॉल करनी है किसी की, तो फोन वोन लगा के जब को मैं दे देता हूँ मम्मी को। तो गाइस अभी फोन में लॉक लग गया था, और हमें लगा कि फोन में लॉक हो गया है, इसे क्या है 1-2 डिजिट उल्टे सीधे दब गए थे, तो इसलिए फोन लग रहा था लॉक हो गया, तो अभी क्या है उसे खोल दिया गाइस, और अभी घर वाले सारे सोच रहे हैं कि फोन लॉक हो गया, और गाइस मैं खुद डर गया था, क्योंकि उसमें मेरा बहुत सारा डाटा है ओप्पो वाले फोन में, तो उसी में हम ज़्यादा एक सिम लगा के रखते हैं, तो उसमें कॉल वगैरह सब आती हैं, और वीडियो कॉल वगैरह जो अम्मी को करनी होती हैं तो वो सब उसमें आती हैं, तो मुझे खुद लगा गाइस कि फोन लॉक ना हो जाए, भी खाना देना पड़ेगा। इंसा इंसा
जो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे निभा कर को नहीं रही, खाना दे दे बच्चीज को। गाइस लिली को मैंने दिया है, अभी उसे खाना खिला के देखो यहाँ लेट गई है, इसे अंदर लेटा दो कोई ठंड ना लग जाए, इसे अंदर ले आके रखते हैं। गाइस लेट जाओ लिली, लिली लेट जाओ। तो लिली वो लेट गई, मेरे गाल पे गाइस दाने हो ही गए हैं, ये था एक, एक ये था शायद, तीन दाने हो गए। अभी अंदर गए थे थोड़ी बातें बातें करने चले गए वीडियो कॉल पे। गाइस गली देखो पूरी सन्नाटे में, पूरी गली शांत है। तो अभी सिर्फ हम ही जगह में, शायद जगह पे होंगे, बट हमारी लाइट क्या देर तक खुली रहती है गाइस। और रात में तो मैं 4 बजे से कम सोता ही नहीं हूँ, क्योंकि एडिटिंग भी करनी होती है, ऊपर से बहुत काम होते हैं, तो उन्हीं काम में 12 बज जाते हैं। और फिर बाकी एडिटिंग का काम बचता है, जो कि 1 से 3 या 4 के बीच चल जाता है मेरा काम। उसके बाद अब सुबह उठूंगा मैं 7 बजे, और स्कूल जाना होगा सुबह मुझे उठ के, तो अब मैं सुबह स्कूल के लिए भी निकलना है मुझे। तो गाइस जितना हो सका था मुझे, मैंने आपको वो सब दिखानी है उसकी। गाइस लिली ये रही मेरे पास, तो अभी क्या है ना मुझे ब्लॉग का एंड करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अभी लिली शांति से सो गई है, तो ये नहीं होती तो फिर ब्लॉग करने का मजा नहीं आता। गाइस नींद आ रही है, और गाइस अभी नींद आ रही है, और रात में पता है कम से कम 3 बजे के बीच है ना, ये इतने चक्कर काटती है बाहर के, इतने बाहर जाती है, बाहर जा जाके फिर वहीं सो जाती है। बाय बाय गाइस। गाइस हमारी लिली देखो कितने शांत से सो रही है, तो कल उठेगी ना ये, कल जरूर आतंक काटेगी।